नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। संविधान दिवस की सीएम योगी ने बधाई दी, संविधान निर्माण में योगदान देने वाले विभूतियों को नमन किया और साथ ही साथ संविधान के अनुसार आचरण करने हेतु संकल्पित है, ये भी सीएम की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर संविधान दिवस की बधाई दी, संविधान निर्माण में योगदान देने वाले विभूतियों को नमन किया और साथ ही संविधान के अनुसार आचरण करने हेतु संकल्पित हों। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से संविधान दिवस की बधाई दी है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया हुआ, जिसमें कि प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन सभी महान विभूतियों को भी नमन किया और जिन्होंने समता, बंधुत्व और अंत्योदय की भावना से दीप्त सर्व समावेशी संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। ये ट्वीट आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है मुंबई हमले की बरसी पर। ट्वीट किया गया है, भुलाया नहीं जा सकता 26/11 का काला दिन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 26/11 मुंबई हमले की वो जो भयावह तस्वीर थी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई हमले की बरसी पर ट्वीट किया और साथ ही साथ 26/11 का काला दिन वो भुलाया नहीं जा सकता अपने ट्वीट में लिखा। मुंबई हमले की बरसी पर ट्वीट किया है, भुलाया नहीं जा सकता 26/11 का काला दिन। तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीएम योगी की तरफ से किया हुआ ट्वीट। देश ने कायराना मुंबई 26/11 आतंकी हमले में अपनी निर्दोष नागरिकों को खोया था, वहीं सबकी रक्षा करते हुए हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। ये ट्वीट किया है, तस्वीरें जिसकी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। और अगली बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां पर छात्र की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में फरार इनामी अभियुक्त, पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है और साथ ही साथ यश और रोहन ने गोली मारकर हत्या की थी। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिन पहले शामिक की गोली मारकर हत्या की गई थी, शामिक छात्र के सामने रोहन की करता था बेइज्जती। बिजनौर के नूरपुर रोड का यह पूरा मामला है। पुलिस की गिरफ्त में फरार इनामी अभियुक्त, पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है, यश और रोहन ने गोली मारकर हत्या की थी। 3 दिन पहले शामिक की गोली मारकर हत्या की गई थी। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर छात्र की गोली मारकर हत्या का यह पूरा मामला है, जिसमें कि पुलिस की गिरफ्त में फरार इनामी अभियुक्त। छात्र की गोली मारकर हत्या का ये पूरा मामला है, जो कि पुलिस की गिरफ्त में। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनामी अभियुक्त। तेईस ग्यारह 2022 को कृष्णा कॉलेज के गेट पर एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि करीब 15:40 पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोगों ने शामिक नामक छात्र की
गोली मार के हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने तत्काल टीमें सक्रिय की। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यश नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हुई थी। सारी टीमें तत्काल सक्रिय की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद रहमान फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रहमान, क्या कुछ जानकारी है पुलिस की गिरफ्त में फरार इनामी अभियुक्त? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं, ये 23 नवंबर की दोपहर 3:40 का मामला है, जहां पर जो है कृष्णा कॉलेज बिजनौर में बीबीए का छात्र सामिक अपनी सहपाठी के साथ कॉलेज से पढ़कर घर की ओर जा रहा था कि कॉलेज की कुछ कदम की दूरी पर ही बाइक पर सवार नकाबपोष बदमाशों ने दिन दहाड़े सामिक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज से दोनों कातिलों की पहचान रोहन व यश चौधरी के रूप में हुई। पिछले 3 दिनों से पुलिस की कई टीमें दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। बीती रात कहीं दूर भागने की फिराक में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, रोहन छात्र ने बताया कि मृतक सामिक अक्सर कॉलेज में छात्र छात्राओं के सामने किसी न किसी बात पर बेइज्जती करता था, इसी बात से क्षुब्ध होकर अपने दोस्त यश चौधरी के साथ मिलकर प्री प्लानिंग हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि पुलिस अभी भी कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। रोहन व यश को पुलिस ने गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की ख्वाहिश शुरू कर दी है। गुरु, तो क्या रहमान इस पूरे मामले में अभी कोई अभियुक्त फरार चल रहा है या फिर सभी अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं, ये दो ही बदमाश जो है छात्र के हत्यारे थे। इन्होंने ही दिन दहाड़े गोली मारकर सनसनी फैलाई थी बिजनौर में, और एक नामजद और एक के अज्ञात के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस जांच में पाया गया कि जो दोनों की पहचान हुई, और कल जो है बुलडोजर लेकर पुलिस इनके घर पर भी गई थी इनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन देर रात इनको पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार कर लिया। गौरव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अमरोहा में पानी की टंकी पर लगे भारतीय तिरंगे का अपमान हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय तिरंगा लगाया गया था, जिसकी देखभाल ना होने की वजह से ये फट गया, और फटे हाल अवस्था में होने के बावजूद भारतीय तिरंगे को उतारा नहीं गया, जिसकी वजह से खुलेआम भारतीय तिरंगे का अपमान हो रहा है, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं अब नगर पंचायत प्रशासन और नौगावा सादात तहसील प्रशासन के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि पानी की टंकी के ऊपर भारतीय तिरंगा लगाया गया था, जो कि फटे हाल की अवस्था में अब भारतीय तिरंगा अभी भी पानी की टंकी पर लगा हुआ है, जिस पर कि जिसे उतारा नहीं गया, भारतीय तिरंगे का अपमान, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो पानी की टंकी पर तिरंगा लगाया गया था, जिसकी हालात जो है फटे खस्ता हाल की तरह हो गई, उसके बावजूद भी तिरंगे को उतारा नहीं गया, और साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारतीय तिरंगे का किस तरीके से अपमान होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए नौगांव सादात के एसडीएम हमारे साथ इस वक्त जो है फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, तो उनके पास सीधा रुख करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया, आखिर जब तिरंगे को लगाया गया गौरवान्वित महसूस होने के लिए लगाया जाता है, जिसके आन बान शान के लिए शौर्य के लिए लगाया जाता है, उसके बाद इस तरीके की हालात में जो है तिरंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से खस्ता हाल में तिरंगा यहां पर लगा हुआ है, उसके बावजूद भी प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर कुशीनगर से है, जहां ग्राम सभा देवरार पिपरा की रहने वाली एक युवती से उसी गांव के ही एक युवक पिछले 5 सालों से एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती गर्भवती हुई तो युवक और युवक के घर वालों ने मिलकर गर्भपात करवा दिया। गर्भपात होने के बाद युवती को कुछ दिक्कत आने लगी। जब युवक को पता चला तो इलाज के लिए अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने युवती का ऑपरेशन करने की बात कही तो युवक घबराकर युवती को अस्पताल छोड़कर भाग गया। वहीं युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। युवती हिम्मत जुटा करने के लिए अपने घर वालों को सारी घटना बताई, फिर घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचकर युवती का ऑपरेशन कराया, तब जाकर युवती की हालत में सुधार आया। गुस्साए परिजनों ने युवक के घर गए तो युवक के परिजनों ने युवक और युवती की शादी तय कर दी। वहीं शादी तय होने के बाद रीति रिवाज से दोनों युवक और युवती की सगाई हुई। सगाई के दौरान दोनों ने आपस में अंगूठी पहनाया। वहीं काफ़ी साल बीत जाने के बाद जब लड़की के घर वालों ने युवक के घर शादी डेट फिक्स करने पहुंचे तो फिर दबाव बनाने लगे और लड़की के घर वालों से 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने स्थानीय थाना हाटा कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी और मामले में प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ संदिग्ध धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्तगण पैसे का दोष दिखाकर गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। पीड़ित परिवार के लोगों ने न्याय के लिए गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैंने लड़की के साथ में बहुत बुरा हुआ है, इसके एक लड़के से उसका जबरदस्ती उसके साथ में शारीरिक संबंध शारीरिक शोषण किया है और उसका ओबरी निकाल लिया गया है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और कड़ी सजा दिलाया जाए। उधर राजधानी लखनऊ के बीकेटी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। सभाजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं और जनता को ढेरों शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आप चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव, बड़ी संख्या में आप पदाधिकारी और सैकड़ों आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। लखनऊ जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज हमारी पार्टी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुकी है। कार्यक्रम में निवर्तमान प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह पटेल, खिलकुन प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष इस्मा जहीर, अंकित सिंह परिहार, अनित रावत, अंकज यादव और साथ ही साथ जिला महासचिव सबीना सिद्दीकी के साथ ही अनेक लोग मौजूद रहे। उधर महुआ में फायर सर्विस इंचार्ज के हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान फायर सर्विस से जुड़े उपकरणों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान फायर सर्विस इंचार्ज देवेश तिवारी ने आगजनी की घटना से बचाव के तहत हेल्थ सेंटर में लगाए गए उपकरणों की जानकारी मुहैया कराई और सेंटर में काम कर रहे कर्मचारियों को आगजनी के दौरान बचाव के तरीके बताते हुए उन्होंने इससे जुड़ी तमाम अहम जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। ये डायलिसिस यूनिट है, यहाँ पे जो किडनी फेलियर के पेशेंट होंगे उनकी डायलिसिस की जाएगी। क्योंकि इसमें काम चल रहा है तो हमारे चीफ फायर ऑफिसर मिस्टर देवेश तिवारी जी आए हुए हैं ये चेक करने के लिए कि ये जो यूनिट बन रही है इसमें फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था की गई है। तो हम तिवारी जी सब चेक कर रहे हैं या फिर रिपोर्ट देंगे, इसमें जो कमी होगी उन कमी को दूर किया जाएगा। श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जिला चिकित्सालय पुरुष में एक नया डायलिसिस सेंटर ओपन हो रहा है जिसमें फायर सिस्टम लगवाए गए हैं जिनको चेक करने के लिए मुझे बुलाया गया है। मेरे द्वारा यहाँ पर लगे हुए सारे सिस्टमों को चेक कर लिया गया है
और इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की गई है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर नशे में धुत दबंगों ने की दुकान में तोड़फोड़। दबंगों पर पीड़ित ने लगाया लूट का आरोप। बीच बचाव में आई महिला से भी मारपीट। शोर मचाने पर मौके पर से भागे दबंग, और साथ ही साथ थाना लिशाड़ी गेट के रेहान गार्डन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नशे में धुत दबंगों ने तोड़फोड़ की। दबंगों पर पीड़ित ने आरोप लगाए। बीच बचाव में आई महिला से भी मारपीट की गई। शोर मचाने पर मौके से भागे दबंग। थाना लिछाड़ी गेट के रेहाना गार्डन का ये पूरा मामला है। नशे में धुत दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। बीच बचाव में आई महिला के साथ भी मारपीट की गई। उधर संजय कुमार खत्री ने समाधान दिवस पर थाना झूंसी एवं नैनी पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, और साथ ही डीएम ने झूंसी थाने से राजस्व एवं पुलिस की 6 टीमों को मौके पर रवाना करते हुए प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएमओ ने एसडीएम फुलपुर को अपनी निगरानी में शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देशित किया, और डीएम ने नैनी थाने पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुनते हुए राजस्व से संबंधित प्रकरणों पर राजस्व एवं पुलिस की टीमों को रवाना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरणों के निस्तारण करने के निर्देश दिए, और डीएम ने थाना अध्यक्षों तथा राजस्व अधिकारियों को समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों को जल्द से जल्द कार्रवाई का आदेश दिया। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, रायबरेली से मिल रही है, जहां पर पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से के चलते जो भीषण आग लग गई। जगतपुर के पूरे महारानी गांव की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आप तक पहुंचा रहे हैं, पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से आग लग गई। तो पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। और अगली बड़ी खबर संभल से है, जहां पर संविधान दिवस पर पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने दिलाई शपथ। पुलिस कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई, और डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कार्यालय पर दिलाई शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर, संभल से संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने शपथ दिलाई, पुलिस कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आप तक पहुंचा रहे हैं, संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गई। तो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, संविधान दिवस के मौके पर शपथ दिलाई। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीजेपी नेता पर एक बार विवादित बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि सड़क टेंडर को लेकर एक विवाद दिया था, जिसमें बीजेपी जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार बबलू समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।
उधर वाराणसी में गंगा नदी में 34 यात्रियों से भरी हुई नाव पलट गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा शीतला घाट के सामने गंगा नदी के बीचों बीच हुआ। इस बीच बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है, जहां पर कार सवार युवकों ने मचाया उत्पात। बीच सड़क पर उत्पात मचाया, खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। कार की खिड़की से लटक कर बनाया वीडियो, दो कारों में सवार होकर बनाई रील्स। युवकों ने हूटर बजा कर बनाई रील्स। थाना मेडिकल के CCSU रोड का ये पूरा मामला है। दो कारों में सवार होकर बनाई रील्स, मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर कार सवारों द्वारा उत्पात मचाया गया है। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कार की खिड़की खोलकर वीडियो और रील्स बनाई गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है कार सवार युवक जो है ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए। उधर रायबरेली में राइजिंग चाइल्ड स्कूल में खेल दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दो चरणों में खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई है। इस अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं के प्रथम चरण का उद्घाटन जिला क्रीड़ा अधिकारी सर्वेंद्र सिंह चौहान ने किया। बता दें कि प्रथम चरण में प्राइमरी के बच्चों के मध्य हर्डल रेस, स्पून रेस, फ्रेंडशिप रेस, ईट एंड रन रेस और फ्रूट्स रेस और बकेट रेस, जंपिंग रेस हुई। इस दौरान अर्चित युवान, यशवी, आसिफ, ईशानी, आरव, अहमदान, आहान, वरदान, अर्श, जानवी, शिवाय, अर्चिस्मान, तेजल, आर्या, लतीफा, अनिकेत बच्चों ने बाजी मारी। तो वहीं दूसरे चरण का उद्घाटन IMA के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश सिंह और नगर शिक्षा अधिकारी प्रियंका सिंह ने किया, जहां प्राइमरी एवं जूनियर कक्षाओं के बच्चों के बीच विविध प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें के समर, प्रशांत, ओशिका, शिव, अजय, श्रेयांशी, मानवी, सूर्यांश, अब्बल स्थान पर रहे। वहीं राइजिंग चाइल्ड स्कूल के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने अतिथियों का स्वागत किया। फिलहाल प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए राइजिंग चाइल्ड स्कूल कृत संकल्पित है। नेशनल और स्टेट स्तर के खिलाड़ियों से स्मिता दुबे, किरण कुमारी, शोएब अभय सिंह, उज्ज्वला ब्रजेश और संजय कुमार, शैल कुमार निर्णायक के रूप में उपस्थित रहे। और स्टेडियम से टीम आई जो हमको काफी हेल्प कर रही है, जनरेट कर रही है, और साथ में बच्चों के लिए कबड्डी रेस, पैगावार, डिफरेंट टाइप की रेसेस का आयोजन किया गया है। और बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का आयोजन। अमरोहा में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट से संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। बता दें कि जिला कलेक्टर सद्भावना पार्क शहीद स्थल से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क तक यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है और बीजेपी सरकार को सरकार संविधान के हिसाब से चलते की बात कहती है। वहीं उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा जनपद अमरोहा में जिला कलेक्ट्रेट शहीद स्मारक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क तक हमने संविधान बचाओ यात्रा निकाली है। आज संविधान संकट में है। आज देश में भाजपा की सरकारें, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ खुलेआम संविधान का गला घोटा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी शासन और प्रशासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है।
आइए आपको लिए चलते गुजरात, जहां पर अहमदाबाद में सीएम योगी गुजरात अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। क्या विशालकाय जो भीड़ है वो सामने इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। विरमगाम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो सीएम का, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर सीएम योगी के नाम के साथ जो है लोगों ने उत्साह के साथ में स्वागत किया, फूल बरसाए, योगी योगी के नारे लगाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।